हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी का एजुकेशन। आज हम DSSB PGT एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तीन साल पहले नीना के चार सदस्य परिवार की आयु 15 साल थी। कितनी थी? 15 साल थी। 3 साल पहले थी ये 15 साल। फिर वो कहता है कि एक बच्चे के जन्म लेने के बाद, पहले सदस्य कितने थे? 4। अब कितने हो गए जन्म लेने के बाद? 5। वो कह रहा है कि एक बच्चे के जन्म लेने के बाद आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो जब बच्चे ने जन्म लिया तो औसत आयु अब कितनी है? अब की वर्तमान दे रखी है 5 सदस्यों की 15 साल। तो पूछ रहा है वह बच्चा कितने साल का है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम आयु कब से लेते हैं? वर्तमान से अपनी आयु कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें पहले दिया हुआ था कि 3 साल पहले 15 साल थी, तो अब कितनी हो गई? 15 + 3 = 18। उस टाइम सदस्य कितने थे? 4। तो टोटल हो गई 72। अब उसने कहा है कि एक बच्चे के जन्म लेने के बाद, तो अब कितने सदस्य हैं? 5। औसत आयु कितनी दे रखी है? 15 साल। टोटल कितनी हो गई? 75। तो पूछ रहा है कि बच्चे की आयु कितनी है, तो 75 - 72 कितनी हो जाएगी? 3 साल। तो बच्चे की आयु है 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक वाक्य और 2 क्रियाविधि दी गई हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रियाविधि पर की गई टिप्पणी का चयन करें। तो हमारा वाक्य है, एक्स ब्रांड के टीवी की बिक्री काफ़ी कम हो गई जिसके कारण कंपनी बहुत चिंतित है। तो ये हमारा वाक्य है और हमें क्रियाविधि दी हुई है, हमें उस पर टिप्पणी करनी है, बताना है कि कौन सी क्रियाविधि तार्किक है, कौन सी नहीं है। पहली क्रियाविधि है, कंपनी को बाजार के प्रतिद्वंदी ब्रांडों का उचित अध्ययन करना चाहिए। यानी जो कंपनी की एक्स ब्रांड की बिक्री कम हुई है जिसके कारण कंपनी बहुत चिंतित है, तो उसे क्या क्या क्रियाविधि करनी चाहिए कंपनी को। तो पहला हमारा जो क्रियाविधि है, कंपनी को बाजार के प्रतिद्वंदी ब्रांडों का उचित अध्ययन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कंपनी को प्रतिद्वंदी ब्रांडों का अध्ययन करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि किस वजह से हमारा टीवी ब्रांड पिछड़ रहा है, क्या क्या रीज़न है, फिर उनका सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमारा दूसरा है, उत्पाद का मूल्य घटाना चाहिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए। अगर हम वैसे देखें तो हमें लगेगा कि हाँ ये वाला जो हमारा क्रियाविधि है ये भी तार्किक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली जाएं तो ये क्रियाविधि तार्किक नहीं है, ये वीक क्रियाविधि है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता क्या हो सकता है कि जो कंपनी ने उसका मूल्य अपने टीवी का मूल्य पहले ही जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसके बिल्कुल ही मतलब थोड़ा ही ज़्यादा रख रखा हो, अगर कंपनी उसका मूल्य घटाए तो लॉस में चली जाए। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी उसका मूल्य घटाना चाहिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वीक क्रियाविधि हो जाएगी। तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग क्रियाविधि है वो पहली वाली है, तो कंपनी को बाजार के प्रतिद्वंदी ब्रांडों का उचित अध्ययन करना चाहिए। तो देखते हैं इसके क्या क्या विकल्प दिए हुए थे। पहला है, केवल क्रियाविधि एक तार्किक रूप से अनुसरण करती है। हाँ केवल एक करती है, बाकी के हमारे 3 ऑप्शन रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन हैं जिन्हें अभिकथन और कारण कहा गया है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो पहला अभिकथन है, हमारे देश में बहुत से युवा विदेशों में नौकरी स्वीकार कर रहे हैं। तो उसका कारण दिया हुआ है, उच्च तकनीकी योग्यताओं वाले लोगों के लिए हमारे देश में कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, जो कारण है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसमें दे रखा कोई प्रयोजन नहीं है। जब ऐसे वर्ड लग जाते हैं ना, कोई, केवल या मात्र, तो हमारे किसी भी कारण को, किसी भी तर्क को क्या कर देते हैं? कमज़ोर कर देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है लेकिन कम है। अगर इसकी जगह होता कम प्रयोजन है तो हमारा कारण ठीक होता, तो कारण क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? अभिकथन ठीक है और कारण रॉन्ग है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसका आंसर है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो इसमें दिए हुए हैं EVTG HS GHS QJ।
तो इस तरह का जो क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, इसी लॉजिक पे बेस्ड, हमने जो अपने लास्ट वीडियो की थी, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनमें भी बिल्कुल इसी बेस्ड पे, इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और इसमें भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो इसे बोलते हैं अपोजिट पेयर, अपोजिट पेयर बेस्ड पैटर्न है इसमें। अपोजिट पेयर कैसे, इसमें जो ई वी टी जी, जब इनकी नंबरिंग करेंगे तो ई होता है 5, वी होता है 22, तो इनका कितना सम हो गया 27। जब 27 सम हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं अपोजिट पेयर। ऐसे ही टी कितना होता है हमारा 20, और जी होता है 7, तो इनका सम भी कितना हो गया 27। तो ऐसे ही हम जब चेक करेंगे एच कितना होता है, 8 होता है, एच हमारा 8 होता है, और एस होता है हमारा 19, ये भी 27, क्यू होता है हमारा 17, और जे होता है 10, तो इनका योग भी कितना आ रहा है 27। ऐसी सी, सी हमारा होता है 3, एक्स होता है 24, तो इसका भी कितना आ रहा है 27। यानी अपोजिट पेयर का लॉजिक है, तो हमें क्या लगाना है, ठीक है, एफ सब में एफ दिया हुआ है, तो एफ एफ कितना होता है हमारा, एफ होता है 6, 27 लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, 21, 21 क्या होता है, 21 होता है यू, तो फिर क्या जाएगा, तो यानी हमारा या तो ये वाला ऑप्शन ठीक है या फिर ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें भी एफ यू दे रखा है, इसमें भी एफ यू दे रखा है, हमें देखना है अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लॉजिक लगेगा। तो इसमें एक लॉजिक और दिया हुआ है, जैसे कि ई वी टी जी, तो ये कितना था हमारा 5, 22, ये कितना था हमारा 20, और ये था हमारा 7, तो इसमें दिया हुआ है इसमें +2 ऐड किया गया है और इसमें -2 घटाया गया है, यानी जो पहला और आखिरी था उसमें +2 ऐड किया गया है, और ये वाले जो इनमें -2 घटाया गया है, सब में यही ये लॉजिक लग रहा है सब में। तो ये लॉजिक हमारा किस में लगेगा, ये वाला लॉजिक हमारा इसमें फॉलो नहीं होगा, केवल इसमें फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, एफ होता है हमारा 6, यू होता है हमारा 21, एस होता है हमारा 19, और एच होता है हमारा 8, तो 27 27 तो इनका योग हो ही रहा है, ठीक है, ये तो हो गया, सॉरी 19 और 8, अब ये +2 और -2, ये वाला लॉजिक भी हमारा इसमें फॉलो हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें नीचे दी गई श्रृंखला का गुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 167, 255। जब हम इस तरह के नंबर होते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले गैपिंग को चेक कर लेते हैं एक बार, अगर गैपिंग से सोल्व हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसके बाद कुछ दूसरा देखते हैं। जब नंबर एक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हों, एक सीरियल में बढ़ रहे हों, तो हम क्या देखते हैं, गैपिंग चेक करते हैं। तो इसमें कितनी है, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें कोई अपना एक पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, 64, 128, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 256, तो कितना आ जाएगा, 256, 255 में जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 511, तो हमारा क्या आंसर है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए वेन आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक बार देख लेते हैं, ये वेन आरेख था हमारा, इसमें पहला है, एक सेकंड, इसमें जो वर्ग है हमारा ये वाला, ये कह रहा है ये टेनिस खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, टेनिस खिलाड़ियों को। फिर कह रहा है जो आयत है, यानी ये जो आयत है ये किसे अभिनेताओं को दर्शा रहा है। फिर कह रहा है जो त्रिभुज है, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, ये किसे धनी व्यक्तियों को दर्शा रहा है। फिर कहता है कि जो वृत्त है, जो सर्किल है, ये किसे पुरुषों को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, तो अक्षर आई, आई जो है आई किसे दर्शाता है, ठीक है, तो आई को देख लेते हैं, आई क्या है हमारा, आई हमारा जो त्रिभुज था इससे बाहर है, और आई हमारे इस वर्ग से भी बाहर है, तो आई हमारे किस रेंज में आ रहा है, आई आ रहा है हमारा एक तो आयत की रेंज में, और आ रहा है हमारा वर्ग उसकी वृत्त की रेंज में, ठीक है, आई हमारा आयत की और वृत्त की रेंज में आ रहा है। तो हमारा आयत क्या है, आयत है अभिनेता और वृत्त है पुरुष, ठीक है, तो आई किसे डिनोट करता है, आई उन
पुरुष अभिनेताओं को डिनोट करता है, किन्हें करता है? पुरुष अभिनेताओं को, ठीक है, यानी आयत और विरत, जो आई ए हमारा आयत और विरत की रेंज में आ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो गया, पुरुष जो अभिनेता हैं, आई उन्हें दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, नीचे दी गई परिस्थिति को ध्यानपूर्वक पढ़कर सबसे उत्तम तार्किक कार्रवाई का निर्णय कीजिए। तो हमारी जो परिस्थिति है वो ये है, उसमें कह रहा है कि आपका चचेरा भाई बहन आपका वह शब्दकोश लेना चाहता है जो आपके स्वर्गीय दादा ने आपको उपहार में दी थी, यानी जो उपहार में दी थी उसे लेना चाहता है। तो सबसे पहला हमने दे रखा है निर्णय, उसे बिना सोचे समझे मना कर देंगे। तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बिना सोचे समझे तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। जहाँ भी कुछ ऐसा आ जाए बिना सोचे समझे, तो इलॉजिकल चीज़ें होती हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं होता, तो क्या होती हैं? रॉन्ग होती हैं। फिर दूसरा है, बिना किसी हिचक के उसे दे देंगे, क्योंकि ये हमारा उपहार था, ठीक है, जो हमें हमारे स्वर्गीय दादा ने दिया था। तो जब उपहार है तो हम उसे ऐसे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इलॉजिकल हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, उस शब्द आपको उस शब्दकोश से जुड़े भावनात्मक मूल्यों को उसे बताएंगे। हाँ बिल्कुल, जो भी उससे हमारे भावनात्मक मूल्य जुड़े हुए हैं, हम उसके बारे में अपने भाई या बहन जो भी है चचेरा उसे बताएंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है? लॉजिकल है। या चौथा था हमारा, उसे दे देंगे लेकिन झगड़ते हुए, झगड़ा तो करना ही चाहिए, सभी लॉजिकल चीज़ें होती हैं। तो ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा हमारा निर्णय? होना चाहिए उस शब्दकोश से जुड़े हुए भावनात्मक मूल्यों को उसे बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का सही रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। ये है हमारा, तो पैटर्न दिया हुआ है, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 11, 18, 11, 8 और 361, 15, 6, 2, 441, 12 और क्वेश्चन मार्क 484। तो हम इसका एक पैटर्न देखें, क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है। 11, 8, 361, ऐसे हमें कुछ पता नहीं चल रहा ऐसे देखने से, लेकिन हमें एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये 361, 441, 484 क्या हैं? ये स्क्वायर हैं किन्हीं नंबर्स के, अगर हम इन्हें देख लें किसके स्क्वायर हैं, ये 19 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है और ये होता है 22 का स्क्वायर। तो अब देखते हैं 19 कैसे आ सकता है इन दोनों नंबर से, जब इन दोनों का नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 19, यानी हमारा एक पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। हम यह चेक कर लेंगे, 15 प्लस 6 कितना है? 21, तो क्या होगा हमारा? 21 आ गया है, यानी 21 का स्क्वायर है। ऐसी अभी हमारा 484 किसका स्क्वायर था? 22 का स्क्वायर। तो 22 कैसे आएगा? 12 प्लस 10, जब 12 में 10 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 22। तो हमारे यहाँ क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सेकंड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। LMNOPQ एक गोलाई में मध्य बिंदु की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, एक गोलाई में बैठे हैं जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कितने? 6 व्यक्ति हैं हमारे, हमने इस तरीके से बैठा दिए, पहले नंबरिंग कर लेंगे बाद में। क्यू और एम के बीच में ओ है, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर और पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एल बैठा है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं वो अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाए उसके हिसाब से आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो हम कैसे भी वैल्यू पुट कैसे भी रख दें तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाए तो हम उसे कैसे करेंगे? जब हमें सबसे पहले देखना होता है सबसे पहले किसे बैठाएं, तो जो हमें बिल्कुल डेफिनेट दिया होता है सबसे पहले हम उसे बैठाते हैं, और जब सेंटर की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हम इस जगह पर बैठाते हैं। जब सेंटर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हों तो सबसे पहले हम यहाँ बैठाएंगे और उसे बैठाएंगे जिसका डेफिनेट डेटा हमें पता हो। तो इसमें क्या किस किस चीज़ का पता है? Q और M के बीच में O है, ठीक है, तो एक साइड में Q होगा एक साइड में M होगा, उसके बीच में O होगा। तो लेकिन हमें ये नहीं पता Q किस साइड में है, तो हम सबसे पहले इन्हें नहीं बैठाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि O के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, तो O के बाएं ओर, O हमारा डेफिनेट हो गया, जो O जहां भी है तो उसके बाईं साइड में जब हम चलेंगे, जब सेंटर की तरफ देखेंगे तो इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है जब सेंटर की तरफ बैठे हुए होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ओ को अपने को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा है ओ के बाएं ओर
और पी के दाएं ओर एल बैठा है, यानी एल जो है वो ओ के बाएं ओर बैठा है दूसरे नंबर पर, एक दो, यानी कहाँ है एल, यहाँ है, और पी के दाएं ओर, तो पी कहाँ होना चाहिए, अगर पी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, तो पी अगर यहाँ होगा तभी उसका दाया राइट इधर आएगा, तो एक दो, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ओ एल और पी बैठ गए। अब वो कह रहा है क्या, क्यू और एम के बीच में ओ है, तो हम अब क्वेश्चन में पूछ रहा था निम्नलिखित में से ओ की तरफ कौन देख रहा है, तो हम क्यू को चाहे यहाँ बैठा दें, एम को यहाँ बैठा दें, या फिर एम को यहाँ बैठा दें, या यहाँ क्यू को यहाँ बैठा दें, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा एन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था ओ के अपोजिट कौन है, तो इससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनमें से कौन सा किधर बैठा है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए हम इसे कैसे भी कहीं भी बैठा सकते थे, कैसे भी स्टार्ट कर सकते थे, तो हमारे ओ पे ओ के अपोजिट आ जाएगा एन, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन। यानी क्वेश्चन में हमारे ये पूछ रहा था निम्नलिखित में से ओ की तरफ कौन देख रहा है, ओ की तरफ कौन देख रहा है, एन देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है नंदिनी उत्तर की ओर 20 मीटर चली। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। तो इसमें कहा गया है नंदिनी 20 मीटर उत्तर की तरफ चली, फिर वह दाएं मुड़ गई, दाया इस साइड में होता है, दाएं मुड़कर 30 मीटर चली, फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ गई और 35 मीटर चली, बाया इस साइड में आएगा 35 मीटर चली, तो 20 तो हमारा ये था, 15 और चली नीचे को, फिर यहाँ पर आ गई 35 मीटर, फिर वो कह रहा है कि वह बाएं मुड़कर, तो बाएं जब मुड़ेगी तो इस साइड में मुड़ेगी, बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, यानी 15 मीटर चलती है, ये हमारा 30 था, क्योंकि ये 30 था, तो ये भी हमारा 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया ये वाली। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़कर फिर 15 मीटर चलती है, तो बाएं यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 15 मीटर चलती है, तो कहाँ आ गई नंदिनी हमारी, यहाँ पे आ गई। वो कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी ये जो उसकी डिस्टेंस है वो यहाँ से कितनी दूर है, तो ये तो 30 था और ये कितनी थी, ये 15 थी, तो ये भी कितनी होगी, 15 हो गई, तो 30 और 15 कितना हो गया, 45। तो कहाँ ये कौन सी साइड है, पूरब, तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरब में 45 मीटर है वो, ठीक है, अपने प्रारंभिक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो उसमें दे रखे हैं लोहार, संदान और सुतार, सुतार का होता है आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है यदि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ब्राउन को DTQYP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में येल्लो को कैसे लिखा जाएगा। सबसे इजी इनकी होती है टेक्निक, इनकी नंबरिंग कर लो, जो ब्राउन है इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, क्या नंबरिंग होगी इसकी, बी, बी कितना होता है 2, आर होता है 18, ओ होता है हमारा 15, डब्ल्यू होता है हमारा 23 और एन होता है हमारा 14। अब इसमें इसकी भी कर लेंगे, डी टी की डी कितना होता है 4, टी होता है 20, क्यू होता है हमारा 17, वाई होता है 25 और पी होता है 16। तो यहाँ से आपको लॉजिक दिखाई दे गया होगा कोडिंग डिकोडिंग का, क्या लॉजिक चल रहा है, यानी सब में +2 ऐड हो रहा है, सब नंबर में 18 से 20 हो गया, 15 से 17 हो गया, 23 से 25 हो गया, 14 से 16 हो गया, सब में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो ऐसे ही हमसे पूछा है येलो की, तो येलो का जब कोडिंग करेंगे हम, तो वाई का कितना होती है नंबरिंग, 25 होती है, ई की 5 होती है, एल की 12 होती है, एल की 12 होती है, ओ की 15 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है। तो जब इनमें 2 ऐड करेंगे तो 25 + 2 हो जाएगा 27, 5 + 2 = 7, 12, 12 + 2 = 14, 14 ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो 27 है। हमारे नंबर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, यानी 26 पे क्या आता है, जेड आता है, तो उसके बाद +1 करेंगे तो जेड के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, ए आ जाएगा, यानी 27 पे क्या आता है, ए आ जाएगा, ठीक है। ए और 7 पे क्या आता है हमारा, 7 पे आता है जी, 14 पे आता है हमारा एन, फिर एन, 17 पे आता है हमारा क्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाना चाहिए ए जी एन एन क्यू वाई, तो ये हमारी कोडिंग होगी। तो कौन किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें पूछ रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए अंकों के जोड़े जोड़े के बीच वैसा ही संबंध है जैसा कि इस वाले जोड़े में है। तो हमें उप विकल्पों में से उसका चयन करना है। इसमें क्या दे रखा है, 4/15, 5/24। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो हमें कुछ कुछ लग रहा है, ठीक है, 4 और 15, 5 और 24, यानी अगर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, यानी 16 से थोड़ा कम है ये। 5 का होता है 25, यानी 25 से थोड़ा कम है। तो हम एक लॉजिक देख लेते हैं। तो इसमें हमारा लॉजिक हो सकता है 4 का स्क्वायर -1 करके हमने नीचे लिख दिया 15, ऐसे ही 5 का स्क्वायर हमने करके उसमें -1 करके क्या लिख दिया, 24 उसके नीचे लिख दिया। तो ये हमारा लॉजिक बन गया, ठीक है। जो हमारा ऊपर का नंबर है उसका स्क्वायर करके -1, ऊपर का नंबर है उसका स्क्वायर करके -1, जो ऑप्शन में हमारे में जिसमें भी ये वाला लॉजिक फिट होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 - 1 63, 63 नीचे लिख दिया, तो क्या हो गया, 8/63। अब इसे चेक कर लेते हैं, यानी 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 - 1 80, तो ये क्या लिख दिया, 9/80। तो हमारा क्या है, पहला ऑप्शन ठीक है। हम बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे तो बाकी के ऑप्शन में कोई ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा। तो क्या है, हमारा ऑप्शन एक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि प्रवीण कहता है कि मदन की बहन मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो निम्नलिखित में से प्रवीण का मदन के साथ संबंध के बारे में क्या सही होगा, ठीक है। तो प्रवीण ने क्या कहा, प्रवीण ने कहा इसका ट्री बनाएंगे, मदन की जो बहन है, यानी मदन की जो बहन है वो प्रवीण के पिता की, यानी प्रवीण ये था और इसके पिता ये थे, ये इसके फादर थे, इसके पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री का मतलब ये हो गया, तो इनके दोनों के जो फादर थे वो सेम हो गए, यानी इसका मतलब है कि तीनों भाई बहन हो गए। जब इकलौती पुत्री है तो ये क्या हो गया, दोनों पुत्र हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनका रिलेशन हो जाएगा दोनों सगे भाई बहन हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कह रहा है कि कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, कह रहा है कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, फिर कह रहा है कि सारे विद्यार्थी लड़के हैं, सारे विद्यार्थी लड़के हैं। इसमें फिर हमसे निष्कर्ष दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि सारे शिक्षक लड़के हैं, यानी जो सारे शिक्षक हैं वो लड़के हैं। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि सारे शिक्षक लड़के हैं या नहीं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, कुछ तो डेफिनेट है लेकिन सारे का नहीं कह सकते। तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा पार्शली ट्रू होगा, यानी आंशिक सत्य है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा है कुछ कुछ लड़के शिक्षक हैं, यानी कुछ जो लड़के हैं वो शिक्षक हैं, हाँ ये वाला पार्ट कुछ लड़के शिक्षक हैं ये वाला हमारा ठीक है। दूसरा, तीसरे में कह रहा है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हमारा ये था, हाँ कुछ जो लड़के हैं वो क्या है, विद्यार्थी हैं, तो हमारा दूसरा भी ठीक हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है कि सारे विद्यार्थी शिक्षक हैं, यानी सारे विद्यार्थी क्या हैं, शिक्षक हैं, लेकिन कुछ तो हैं लेकिन सारे का हमें नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्शली ट्रू, यानी आंशिक सत्य है। तो इसे भी हम जब अपने आंसर देंगे इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, दूसरा और तीसरा 100% ट्रू हैं। तो हम देख लेते हैं इनके निष्कर्ष दिए हुए। पहले हम देखा केवल एक का अनुसरण करता है, नहीं एक का नहीं करता, केवल 4 का करता है, 4 का नहीं करता, 2 और 3 का करता है, हाँ 2 और 3 हमारे 100% करेक्ट थे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को उत्तम रीति से प्रतिस्थापित करता हो। तो इसमें एक बार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, इसमें हमें यह दिया हुआ है B3E4I7 L10V5A15 P9Y11 और हमें या क्या क्वेश्चन मार्क यहाँ बताना है। तो हमें लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक बनेगा जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। तो अब देखेंगे, अगर हम नंबर्स को देखें 3, 4, 7, 10, 5, 15, 9, 11 क्या आना चाहिए, तो अगर देख रहे हैं हम 3 + 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसे 10 और 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ऐसे 9 और 11 जब करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा 20 आना चाहिए, तो 20 तो हमारा आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे 20 से पहले क्या आएगा, 20 से पहले के लिए क्या करेंगे, अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो ये जो बी होता है 2, ई होता है 5 और आई होता है 9, हमें ये नंबर पता होने चाहिए। रीजनिंग के जो डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं वो अगर नंबर याद हैं तो बहुत ईजीली, यानी विद इन सेकेंड्स हमारा क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से नंबरिंग करके। तो ये कैसे आएगा, 2
दो से पाँच कैसे आया, प्लस तीन करके, प्लस तीन कौन सा वाला, जो ये वाला तीन नंबर दिया था ना, तीन वैल्यू वो हमें इसमें ऐड कर दी बी में, तो क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और ई की जो नंबरिंग थी 5 थी, और 5 में हम ये वाला 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, यानी आ जाएगा आई हमारा ये वाला, ठीक है। ऐसे ही जब हम सब में यही लॉजिक फॉलो हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। एल एल की नंबरिंग होती है 12, और वी की होती है 22, ए की होती है 1, यानी 12 22 और 1, तो 12 में अगर 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 यानी वी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 10 ऐड करेंगे। और जब 22 में ये वाला 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 27 आ जाएगा। तो 26 होता है हमारा जेड, जो 26 जेड होता है, तो एक ए 27, एक उसके बाद 27 में ए आएगा, ठीक है, एक हो जाता है तो हो जाएगा ए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे ही जब हम नीचे वाले में देखेंगे, इस वाले लॉजिक को फॉलो करेंगे, तो पी पी में जब 9 ऐड करेंगे, पी की हमारी नंबरिंग कितनी होती है, पी की होती है 16 और वाई की होती है 25, तो इसमें जब पी में 9 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 25 आ जाएगा। और जब इसमें फिर वाई में 11 ऐड करेंगे, वाई की हमारी होती है 25, 25 प्लस 11 कितने हो गए, ये हो गए 26, 36, ठीक है, 36 हो गए। तो 26 तक तो हमारा जेड होता है, 26 तक जेड होता है। तो अगर उसके बाद 10 नंबर हो रहे हैं, 10 में पे क्या आता है हमारा, 10 में पे आता है हमारा जे, तो हमारे क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए 20, तो हमारा पहले ही आ गया था पहले लॉजिक से, जे और आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, J20, तो हमारा ऑप्शन थर्ड ठीक है, J20 इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले कलई और नीला आमने सामने आपस में बातें कर रही थीं। अगर नीला की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ है तो कलई किस दिशा में देख रही है। तो इसमें सूर्यास्त कर दिया हुआ है, सूर्यास्त किधर होता है हमारा, सूर्यास्त होता है वेस्ट में, तो इसके ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो हम ये अगर सूर्य बना लें, तो उसने और वो आमने सामने खड़ी है, तो उसने कहा है कि वो आमने सामने खड़ी है, अगर नीला की परछाई, परछाई किधर बनेगी, परछाई इस साइड में बनेगी, उसके ठीक दाईं तरफ बनती है, तो जब ऐसे मुंह करके खड़ी हुई होंगी तभी परछाई इस साइड में बनेगी, तो इस साइड में जो दाईं तरफ, ठीक है, बनेगी, तो जो इस साइड उत्तर की तरफ मुंह करके जो खड़ी होगी उसका ये दाया होगा और ये बाया होगा, तो दाईं तरफ किसकी परछाई बन रही है, उसने बताया दाईं तरफ बन रही है नीला की परछाई, तो नीला हमारी यहाँ है। जब नीला यहाँ है और दोनों आमने सामने खड़ी हैं, तो कलई क्या हो जाएगी हमारी, कलई हो जाएगी यहाँ पे। तो पूछ रहा है कलई का मुँह किस दिशा में है, कलई का मुँह फिर किधर है, यानी इस साइड में दक्षिण दिशा में है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कलई देख रही है साउथ में यानी दक्षिण में, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कलई दक्षिण दिशा में देख रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 साल पहले हरिणी और उसकी माता की संयुक्त आयु 44 साल है। हमने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल अभी, हमारा पहला क्वेश्चन लगभग बिल्कुल सेम था, यही था। अब पूछा है, अब उनकी आयु का अनुपात 1:3 है, तो हरिणी की माता की आयु बताइए, तो वर्तमान से काउंट करते हैं हम। उसने कह रखा है 4 साल पहले उनकी संयुक्त आयु दे रखी है, यानी वहाँ पे औसत दी हुई थी तो संयुक्त दे रखी है 44 साल। तो अब कितनी हो जाएगी दोनों की कुल आयु हो जाएगी अब दोनों की 44। अब में 4 साल पहले 44 थी, तो अब हो जाएगी, 1 की 4 जुड़ जाएगी और 1 की भी 4 जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 52। अगर औसत पूछता तो हम अकेली एक एक जोड़ते, लेकिन यह कुल आयु दी हुई है, संयुक्त कुल आयु, तो हम दोनों की 4 4 साल ऐड करेंगे अलग अलग, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी, तो यहाँ से उनकी टोटल आयु आई, वर्तमान में टोटल आयु होगी 52 साल। अब उनका अनुपात दिया हुआ है वर्तमान का 1:3, तो पूछ रहा है कि उसकी माता की आयु कितनी होगी, तो माता की आयु का अनुपात क्या है, 3 है। जब निकालेंगे इसे तो 3/4 × 52, जब इसे काट देंगे तो आ जाएगा 13, तो क्या आएगा, 13 3 39, तो कितनी आ जाएगी, 39 साल उसकी वर्तमान आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में से मुकेश ऊपर से 16वें स्थान पर है, यानी एक इस तरीके से वो दिया हुआ है, यह मुकेश है सफल छात्रों में से कह रहा है, तो यहाँ से जो आएगा 16वें नंबर पर दिया हुआ है, और नीचे से 25वें नंबर पर है, तो नीचे से किस नंबर पर है, 25वें नंबर पर है। अगर वार्षिक परीक्षा में 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, 5 अनुत्तीर्ण हुए हों, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो ये तुम्हारा उत्तीर्ण का दे रखा है, यानी सफल का हमें ये जो दे रखा है, सफल का दे रखा है, तो ये हम देख लेते हैं टोटल कितने छात्र सफल हुए, टोटल सफल छात्र, जो ये एक ही पर्सन है,
मुकेश, तो इसकी ऊपर से रैंक दे रखी है 16 और नीचे से दे रखी है 25, यानी दो बार काउंट हो रहा है। जब ऊपर से करेंगे तब भी ये 16वें नंबर पे काउंट हो रहा है, जब नीचे से करेंगे तब भी ये 25वें नंबर पे काउंट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम टोटल निकालने के लिए, 16 प्लस 25 माइनस 1, क्योंकि दो बार काउंट हुआ था ये, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। यानी टोटल सफल छात्र कितने हैं 40, और 5 कितने थे हमारे अनुत्तीर्ण छात्र, तो टोटल छात्र हो गए हमारे 45। तो हमसे यही पूछा है कि टोटल कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र हैं 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में ए और बी के बदले में ए लिखा जाए, यानी ए और बी के बदले में ए लिखा जाए, यानी दो दो के बदले में, पहले दो के बदले में ए लिखा जाए, सी और डी के बदले में बी लिखा जाए, ई और एफ के बदले में सी लिखा जाए, जी और एच के बदले में डी लिखा जाए, और इसी प्रकार आगे भी लिखा जाए, तो नई संरचना में दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन होगा। ठीक है, जब हम ऐसी एक श्रृंखला बनाएंगे तो हमारी श्रृंखला एम तक जाएगी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ तक जब जाएगी तो हमारी पूरी जो नंबर हैं वो जेड तक के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इसमें दाएं छोर से पांचवा कौन सा होगा, दाएं छोर से यानी इस साइड से, राइट से पांचवा हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आई। आई जो है हमारा, जब ऐसी श्रृंखला बनाएंगे तो राइट से पांचवें नंबर पे क्या आएगा, आई आएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो DSSB के ज्योग्राफी फीमेल के PGT एग्ज़ाम में आए हुए थे। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।